बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मेरा सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो मजेदार से ब्लैक चने का सालन है, जो बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार है, जो आपको मटन की गजाइत और तरह की इसमें फादियत शामिल है, जो आपको बहुत ताकत पहुंचाएगा और टेस्टी और लाजवाब होगा। चलिए इसके इंग्रीडियंट्स नोट करते हैं और इसे बनाने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं, जो गजाइत से भरपूर टेस्टी और बहुत मजे का है। और जो मैंने जिस तरह से बनाया है, इसको आप चम्मच के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जो बहुत टेस्टी और बहुत मजे का लगने वाला है। और बॉयल्ड राइस है तो उसके साथ भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसके इंग्रीडियंट्स नोट करते हैं और इसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। गजाइत से भरपूर ब्लैक चने का सालन, जो बहुत मजे का है। विवर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को क्या फ्लेम पर, फ्लेम को कर लेंगे ऑन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और यहाँ पे हम डालेंगे विवर्स ऑयल, और इस पॉइंट पर हमें ऑयल डाल देना है। ऑयल हम तकरीबन दो बड़े खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे, जिससे हम अच्छे से सालन बनाएंगे। दो से ढाई चम्मच भी कर सकते हैं आप, क्योंकि हम बना रहे हैं ब्लैक चने, बहुत टेस्टी और लाजवाब सी रेसिपी है, जो हेल्दी फूड है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे का। अब इस टाइम पे हम इसको ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उस टाइम तक हम एक अदर प्याज को अच्छे से कट कर लेंगे। इस टाइम पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी दो अदद हमने मीडियम साइज का प्याज ले लिया था, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया, वो हम सारे इसमें शिफ्ट कर देंगे। प्याज को हमें बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। क्योंकि प्याज में हल्का सा गोल्डन ब्राउन होता है, तो फिर मैं इसमें जीरा ऐड कर दूंगी। इस टाइम पे मैं इसमें जीरा डालूंगी साबुत 1 टेबल स्पून भरकर, क्योंकि इसका बहुत मजे का फ्लेवर होता है। और यहाँ पे एक बार मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि मैंने ब्लैक चनों को जो बॉईल किया था तो उसमें इस टाइम भी सॉल्ट ऐड किया था। और साथ ही व्यूअर्स, अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। ये 2-10 व्यूअर्स मेरे पास दरमियान साइज के टमाटर हैं, इनको हमने अच्छे से कट करके इसमें डाल देना है, क्योंकि टमाटर में पानी छोड़ेंगे और फिर इसके साथ ही ये मजेदार सा तैयार हो जाएगा इसका मसाला। हमने टमाटर और रफली चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। साथ ही ये मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें हैं, इसको भी हमने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया। सिर्फ एक हरी मिर्च के 2-3 पीस करेंगे बड़े। नमक, जीरा और प्याज और टमाटर को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बाकी स्पाइसेस मैं बाद में डालूंगी। टमाटर हल्के से सॉफ्ट होंगे तो फिर मैं बाकी स्पाइसेस इसमें शामिल कर दूंगी। देखिए टमाटर माशाल्लाह इसमें सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया, और जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा तो ये हमारा मसाला बहुत अच्छा सा कुक होगा। स्पाइसेस जो मैं बाकी ड्राई स्पाइसेस में शामिल करूंगी, इसमें हमने 1 टेबल स्पून भरकर व्यूअर्स रेड चिली डाल देना है। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप अपने अंदर से खा सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा चटपटा स्पाइसी पसंद है, इसलिए मैं इसमें जरूर डालूंगी। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ही हम इसमें व्हाइट पेपर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे, और ये 1/2 टीस्पून ही हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी वो डालेंगे अदरक पाउडर। ये सब स्पाइसेस को मैं अच्छे से इसका मिक्स करूंगी और थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि स्पाइसेस ले जले ना। टमाटर को मैंने इसलिए पहले डाल दिया था कि टमाटर का पानी छोड़ देते हैं तो वो फिर हमारे स्पाइसेस जलते नहीं है। लेकिन बस अगर इसको मैं हल्का सा पानी डालकर इसको अच्छे से कुक करूंगी, तो पानी डालने से ये सारे मसाले बहुत अच्छे से कुक होंगे। स्लो फ्लेम पे हम इस मसाले को तैयार कर लेंगे।
ये देखिए ब्रोस माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ग्रेवी इस टाइम पे तैयार हो रही है। तकरीबन इसमें हाफ कप के करीब मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। बस ये बहुत अहम पॉइंट है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इसकी ग्रेवी को अच्छा सा और मजेदार सा तैयार करने के लिए। दूध मैंने शामिल किया इसलिए आपने वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है, बगैर स्किप किए तो ही आपको पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करने वाली हूँ और कौन सा इंग्रीडियंट किस टाइम पे कितनी मिकदार में शामिल करूंगी। तो ये बस मैंने दूध डालकर इस मसाले को अच्छे से तैयार करना है और उसकी बहुत जबरदस्त ग्रेवी मैंने तैयार कर लेनी है मीडियम फ्लेम पर। तो ये हाफ कप हमने इसमें दूध शामिल किया है। ये देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह से ग्रेवी इतनी अच्छी से स्टेम पे कुक होना शुरू हो गई है। इस स्टेम पे मैंने हाफ के जी मटर ये ले लिए हैं ब्लैक चने बस जो बॉईल करके मैंने फिर से मसाले में डाल देंगे। हाफ के जी के करीब है मेरे पास बॉईल चने जो मैं इसमें डाल दूंगी। दूध डालने से भी इसके अंदर क्रीमी टेक्सचर आएगा और बहुत टेस्टी और मजेदार सा फ्लेवर इसका बनकर आएगा। मैं इसमें पिंक सॉल्ट ऐड करूंगी हाफ टी स्पून, इसका भी बहुत मजे का फ्लेवर होता है। स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बस मैं आपको चने की पोजीशन चेक करा दूंगी। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ये स्टेप पे गल चुके हैं और ये मसाले के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स भी हो चुके हैं, सारे स्पाइसेस के अंदर अच्छे से जा चुके हैं। बस इस समय मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और जिन्हें अपने ग्रेवी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे भी इसको बंद करना चाहें तो बंद करके इसको चम्मच के साथ खाएं, रोटी के साथ खा सकते हैं इजीली। इस पॉइंट पे मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये बड़ी एक हरी मिर्च मैंने कट कर दी है इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे मैं करूंगी फ्लेम बंद और ये व्यूज हमारे बेहतरीन मजेदार से ब्लैक चने का सालन तैयार हो चुका है। चलिए इसको आपको सर्व के दिखाती हूँ। लीजिए व्यूज बेहतरीन मजेदार से ब्लैक चने का सालन स्टंप कम्प्लीट तैयार है। खाएं मजे लें टेस्ट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी जो मटन के बराबर है। इसकी ताकत इसमें गजाइयत, तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है, इसको जरूर खाना है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी, ढेर से दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।